लास्ट टाइम हमने क्या बताया था अभी आपको, दूसरी बार ये करेंगे ना, अभी एमडी के लिए आए आप, तो उसके लिए आपको इम्प्रेशन हो गया? ओके, वेरी टाइनी। हाँ करो, ओके, बंद करो, बंद करो, क्या ठीक है, कर सकते हैं। देखो कल तो संडे है, तो फिलहाल मंडे ही हो पाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी काम है, इम्प्रेशन निकालना है, ये वो करना है, और आपको लिप भी करना होगा, तो आपको इसके साथ भी हो सकता है, एमडी के साथ हाँ हुआ है, लेकिन थोड़ा है और इसके साथ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये थोड़ा सा बेंड है, आपको कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जब देखता हूँ ना, ये आपको एक कैसे बोल सकते हैं, कॉस्टिंग के लिए नहीं सर, हाँ कॉस्टिंग के लिए नहीं सर, ये तो बहुत परेशानी है, ठीक है सर। देखो परफेक्शन के लिए टाइम लगता है क्लेफ्ट पेशेंट को, आपको समझना है, एक ही बार मैजिक नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते रहेगा, पॉसिबल है, इसीलिए तो बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लिखा है ऑलरेडी, तो ये जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसीलिए आपको बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी जो हमने लिखा है वो तो लिखा ही है, वो तो वैसे ही करेंगे, कष्ट कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ से ऊपर है, थोड़ा सा आपको रहेगा बस, क्योंकि ना अंदर से पूरा कट करेंगे जॉ के लिए, तब उसमें आपको इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो मैं लिख दूंगा ताकि जब होता तो आपको अंदर में जो होल है वो भी हो जाएगा सर, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो अभी हम इसको बाहर ले आ रहे हैं, तो जो फिस्टुला क्लोजर में जितना होल हुआ वैसे ही रहेगा, बातचीत में इम्प्रूवमेंट होगा स्पीच सर्जरी करके, लेकिन फिस्टुला अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ से ही ब्लड सप्लाई जॉ में जाएगा, तो एएमडी जब होता तो फिस्टुला नहीं होता, इसलिए हमने ऐसे प्लान किया था उसको, हाँ अभी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पीछे वाला जो पैलेट है हिल ही नहीं रहा, बंद है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, फिर लास्ट में फिस्टुला लास्ट में करना पड़ेगा, जैसे कि अभी इसमें हो रहा है थोड़ा सा, ऐसे फिर आपको इसकी सर्जरी करना पड़ेगा, सेपरेटली करना पड़ेगा उसको, आप अकेला किसी और के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, चार चांस हो जाएगा सर ना, यार नाक के साथ हो पाएगा तो ट्राई करेंगे, फिलहाल इस बार तो नहीं पॉसिबल, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं पॉसिबल, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, पूरा जॉ को अंदर, अभी दांत इनका भी क्रॉस है, तो दांत को भी बाहर ले आएंगे, जब ये दांत बाहर आएगा तो पूरा नया हड्डी वहाँ पे रेडी होगा, डेवलप होगा खुद इसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से नाक जो जीभ का क्लोजर है, नाक का टंग का मूवमेंट है, बेटर हो जाएगा, तो स्पीच बेटर हो जाएगी एक ऑलरेडी, और ये सब बेटर हो जाएगा, प्रोपोर्शन चबाना भी बेटर हो जाएगा, फिर उनका जो क्या बोलते हैं यूवुला, ये नहीं है इनका, वो पहले सर्जरी जब आपने कराया वो मतलब अभी नहीं है, निकल गया वो कट करके, तो उसको थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करके उसके मसल्स को थोड़ा टाइट करेंगे, तो यही प्लान है अभी इस बार का, और उसके साथ जो मैंने बोला आपको चाहिए तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, अभी 95% है, 99 तक हो जाएगा, आप ऐसे समझो, दांत का इसका अभी बॉफ मतलब अभी 50-60% ही है, इसको 95 तक ले आएंगे, ताकि जब पूरा हो जाए तो इनको देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनको कोई दिक्कत है, बातचीत भी इतना ही आपको समझना है, आवाज में थोड़ा मतलब होना चाहिए बस, उनको हो जाएगा, देखने में थोड़ा खराब लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज इंप्रूव होना चाहिए, आवाज इंप्रूव होगा, आवाज लास्ट टाइम तो हमने सिर्फ फिस्टुला क्लोजर किया है, तो स्पीच सर्जरी अब होगा इस बार, तो इसमें और भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, जॉब भी आगे आएगा और भी इंप्रूवमेंट होगा, अभी स्पीच सर्जरी होगा या इसके बाद होगा, अभी भी थोड़ा होगा स्पीच सर्जरी, और उसके बाद जब आप निकाल देंगे उसको एक और बार फाइनल होगा, मंथ्स लगेंगे आपको, बिकॉज नया हड्डी सेट होना है आपके जॉ में, मिनिमम 4 मंथ्स, आपको सेट करना है क्या सर? हाँ ऐसे ऐसे आप यहाँ तो ये ऊपर नीचे है ना, स्ट्रेट नहीं है, अगर आपको वो चाहिए तो फिर उसके लिए सेपरेट टाइम लगेगा, उसमें आवाज के साथ में कोई तालुका तल नहीं, कुछ नहीं तालुका, तो फिर हम सर कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखा है पहले, जब आप पहले सर्जरी कंसल्टेशन के लिए आए थे ना, तो हमने तब लिखा है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बस नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, नहीं अगला बार तो हम ये भी आपसे बात किए थे कि मान लीजिए इस बार जो है ये आपको एएमडी और प्लस इसकी सर्जरी, आप बोले कि हाँ हम कोशिश करेंगे, आप ये बोल रहे हो, वही तो अभी भी बोल रहा हूँ कि हम इसकी सर्जरी, लेकिन फिर भी आपको एक और बार आना होगा, 3 बार तो मिनिमम है आना,
बिकॉज जब तीसरी बार आओगे जो हम डिस्ट्रैक्टर अंदर प्लेस करेंगे उसको निकालना भी तो है, अब लगा के छोड़ देंगे आपको, लगा रहेगा। हाँ कितना दिन रहेगा वो? वही 3 महीना। हाँ जब आओगे तब उसको निकाल के नोज का भी हो जाएगा अंदर का भी हो जाएगा, वो फाइनल रहेगा सर्जरी के हिसाब से। दांत चाहिए होगा एक्स्ट्रा, दांत का बातचीत का इनका इसमें कुछ तालु नहीं है, दांत बस देखने के लिए दिखावा के लिए। हाँ यही लिखा है हमने, यही ऐसे ही करेंगे। जब आप आओगे निकालेंगे सर्जरी करेंगे वापस छोड़ देंगे। स्टार्ट करेंगे ठीक है सर, देखता हूँ बोले कि कल देखने के बाद, कल सुबह इंजेक्शन कौन आया था जब आपको जब देखेंगे ओपीडी में, इंजेक्शन नीचे ही लेंगे, नीचे ओपीडी इधर आने की जरूरत, नीचे ले लेते जब देखते हैं आपको ओपीडी में ठीक है राइट। हाँ 25 तक तो आपको जाने का सोचना ही नहीं है, लगेगा टाइम। हम क्या कर रहे हैं ना, इनके हड्डी में नया हड्डी उत्पन्न कर रहे हैं, जल्दी थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे होगा। कैसा लग रहा है फेस ऑलरेडी? अच्छा लग रहा है ऑलरेडी, और अच्छा लगेगा जब प्रोजेक्शन आएगा ना फेस में, तो वाला होगा बेटर होगा, जल्दी नहीं हो पाएगा ठीक है। पोस्टपोन करो ठीक है, हमें ऐसा प्रेशराइज मत करो, जल्दी जाना है ऐसे, धीरे 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 टर्न होगा वो, जल्दी बल्दी नहीं कर पाते उसके लिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, 25 से पहले आप सोचो मत, मार्च 1 को सोचो ताकि एक दिन जल्दी हो जाए तो फिर ठीक है, और आज से 5 दिन मिनिमम इधर तो मतलब एक सप्ताह रहना पड़ेगा, फिर संडे मैं ट्रेन है उसके ट्रेन, लेकिन सैटरडे संडे भी ट्रीटमेंट होगा। हाँ इस सप्ताह में, लेकिन आज भी तो ट्रीटमेंट होगा, आज सारा जो पूरा बाइंड ऑफ रेस्ट टू कम लाइक दिस अ लिटिल ऑफ इमेज क्लियर अप ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया है। मतलब डू यू हैव अ फर्स्ट फोटोग्राफ कुड वर्क, आप बेटर हो। कैसा लग रहा है आपको? दर्द होता है हर एक बार? हाँ वो है, थोड़ी थोड़ा दर्द होता है, ठीक हो जाएगा लेकिन फटाफट। सो दिस इज हिम नाउ एंड यू कैन सी वी हैव डन अ anterior maxillary distraction. So we've done an anterior maxillary distraction. I think this is the best treatment that there is available for cleft patients, especially who have maxillary hypoplasia. It improves the speech, it improves the proportion. Look at that improvement. And we've not done any fixation of the jaw with plates and screws. We've used a patient-specific implant, a custom-made device. We fitted it in the upper jaw, done a surgery, augmented the upper jaw, and that's what has been done. So you can see the proportion of the lower lip. The treatment is fully not done as well. We're just 1 week after surgery. He's going to be with us for a few more days. Achha, upar muh kholiye. Now I'm going to show you the device that we've got placed inside. So you can see the device. I hope you can see it. You see, it's sitting on the roof of the mouth, but it's also got prongs, attachments on the teeth, on both the teeth, both the sides. So this is a specific implant that we have processed for him, fabricated for him. Band kijiye. Or what happens exactly in this is the upper jaw. This upper jaw has been cut in two in this fashion, and the upper part of the upper jaw is slided forward, distracted forward, which means the upper jaw is going to have a gap in between. That gap will have new bone formation. That's called distraction osteogenesis. So this is far superior than the orthognathic way of fixing an underbite, especially for cleft patients, because this improves in the patient's speech. Done huge studies on this, reaching more than 1,000 patients in the last 2 decades.
has categorically proven that speech improves. So that's the benefit the patient gets, apart from the fact that the profile improves, the proportion improves, the bite improves, and also the space for the tongue improves.